तो इस नाचते हुए जानवर को सूर्य का उपासक कहा जाता है। आइए जानते हैं, ये है सिफाकाज। ये सिर्फ मेडागास्कर के जंगलों में पाए जाते हैं। लगभग 1 मीटर लंबे ये प्राइमेट ना बंदर है ना ही वानर, ये लीमर प्रजाति से आते हैं। इन्हें डांसिंग लीमर भी कहा जाता है क्योंकि ये आर्बोरियल जानवर पेड़ों पर लगभग 40 फीट तक की छलांग लगा सकते हैं, मगर जमीन पर ये अजीब तरीकों से चलते हैं। ये उछलते हुए पोगो अपने फैले हुए पैरों के कारण जमीन पर चलते वक्त अपने पेट को बाहर की ओर झुकाकर और हाथों को ऊपर उठाकर अपने पीछे के पैरों पर उछलते हुए चलते हैं, जिस कारण ये किसी बैले डांसर की तरह दिखाई देते हैं। मलागासी कल्चर में सिफाका को अक्सर पवित्र सूर्य उपासक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी आदत होती है। ये सुबह भोजन की तलाश में निकलने से पहले जमीन पर सूरज की तरफ मुख करके बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को फैला देते हैं और सूरज की ओर देखते रहते हैं। इस मुद्रा को सूर्य पूजा मुद्रा या कमल की स्थिति में वर्णित किया जाता है। हालांकि पैर क्रॉस नहीं बल्कि फैले हुए होते हैं, इनकी इसी आदत के कारण इन्हें सूर्य उपासक कहा जाता है। लेकिन ये ऐसा सिर्फ अपने ठंडे पेट को गर्म करने के लिए करते हैं, ना कि सूर्य पूजा के लिए।